गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं हाजिर हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय वही कि बुध अगर विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में जाएंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे। इस चर्चा को करते करते हम तुला राशि पर आ गए हैं। आज हम तुला राशि की बात करेंगे। तो मित्रों तुला राशि के लग्न भाव में यानी पहले भाव में जब बुध बैठे हों तो पहले भाव में बैठेंगे और उनकी दृष्टि जाएगी सातवें भाव पे और उनकी दोनों राशियां नवें भाव में और बारहवें भाव में हैं। तो देखिए पहले भाव में लग्न में जब बुध आए तो यहाँ पर तो तुला राशि है, शुक्र की राशि है, तो बुध यहाँ अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि यहाँ पर बुध जो है अपने उच्च के हैं, दिग्बली हैं, तो दिग्बली होने के कारण उच्च के हैं। वो जातक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर, बहुत ही हसमुख नेचर का होगा, यानी जातक की प्रवृत्ति जो है बहुत ही बढ़िया होगी, पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया होगी, सुंदर आकर्षक शरीर होगा। जातक भाग्यशाली भी होगा, पिता का आदर सम्मान करने वाला होगा, धार्मिक नेचर का होगा जातक। जातक को जो है विदेशी यात्रा करेगा, विदेशी यात्राओं से लाभ होगा, विदेश में रहेगा, विदेश में जाएगा तो धन कमाएगा, पैसा आएगा, लाभ ही लाभ है। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन भी बड़ा अच्छा बीतेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा मधुर संबंध होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं आएगी। पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली बेसिस को भी लाभ मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। तो अपनी जातक को अपनी कार्य कुशलता के अनुसार बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे, फायदे मिलेंगे, अपने क्षेत्र में अपने कामों में अपनी योग्यता को दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। जातक बहुत ही लाभ अच्छा भाग्यवर्धन होगा, उसका भाग्यवर्धन होगा तो लाभ भी होगा। द्वितीय भाव में चलते हैं हम, सेकेंड हाउस में अगर बुध आएंगे तो सेकंड हाउस में बैठेंगे और आठवें भाव को देखेंगे और उनकी राशियां दोनों नवें भाव में और बारहवें भाव में हैं। तो यहां भी बुध उच्च का परिणाम देंगे। जातक को धन की कोई समस्या नहीं आएगी, धन की कोई समस्या नहीं आएगी, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्थिर होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिर होने से परिवार का सहयोग भी मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा और जातक परिवार के साथ ही रहेगा। जातक की वाणी बहुत कर्णप्रिय, मीठी, मधुर होगी, अच्छी वाणी होगी। जातक जो है जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए जो जो बाधाएं आएंगी, जो जो रोड़े आएंगे, उनको सब पर आसानी से काबू पा लेगा, यानी अपनी योग्यता और अपनी कार्यकुशलता के सहारे सारी बाधाओं को पार करके अपने परिवार को सुख साधन की सभी चीज़ें दिलाएगा, सुख की सभी चीज़ें दिलाएगा। तो जातक भी खुश रहेगा, जातक का मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा, तो बहुत ही अच्छा है भाई। तो सेकंड हाउस में नवे में ग्रह राशि बैठी है तो पिता से अच्छे संबंध होंगे, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पिता का आदर सम्मान करने वाला होगा और विदेशी यात्रा होंगी, उनमें लाभ होगा। तो ये तो अच्छे रहा भाई, बहुत बहुत बढ़िया, भाग्यशाली जातक है और सब लाभ ही लाभ मिल रहे हैं भाई। तो अब हम चौथे, अब हम हाँ नहीं अब हम कहाँ आए, अगले भाव में चलते हैं। अब हम तीसरे भाव में आए, हाँ दूसरा भाव था ये, तो तीसरे भाव में हम जब आएंगे तो तीसरा भाव में देखिए बुध बैठेंगे और नवे भाव में दृष्टि जाएगी। तो तीसरे भाव में बैठ करके जातक के छोटे भाई बहनों का योग है, जातक के छोटे भाई बहन होंगे जिनसे जातक को सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। जातक परिश्रम करेगा और जितनी परिश्रम करेगा उतना ही लाभ पाएगा, अच्छा परिश्रम के मुताबिक लाभ मिलेगा।
छोटी मोटी यात्रा करेगा उससे भी लाभकारी यात्रा होंगी। तो अच्छा रहा जातक जातक को। देखिए नवम भाव में दृष्टि जा रही है बुद्ध की, तो नवम भाव में जातक भाग्यशाली होगा, भाग्य वर्धन होगा तो पैसा आएगा, पिता का मान सम्मान करेगा, पिता का आदर करेगा और पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जातक विदेशी यात्रा कर सकता है, उनसे भी लाभ पाएगा, विदेश में सेटल भी हो सकता है। तो ये तो नवे भाव पर दृष्टि जा रही है इसलिए। और देखिए जातक जो है नवे भाव में ही दूसरी राशि भी तो इसलिए अच्छा आ रहा है, पर बारहवें भाव से विदेशी यात्रा हो सकती है और विदेशी यात्राओं में लाभ होगा। विदेश में जाएगा तो पैसा कमाएगा, वहाँ व्यवसाय करेगा, वहाँ अगर परमानेंट सेटल होना चाहेगा तो परमानेंट सेटल होकर के घर बसा करके अपना शादी वादी करके रह सकता है और अच्छा पैसा कमाएगा। अब देखिए चौथे भाव में आते हैं बुध, तो चौथे भाव में भी जो है यहाँ शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव की साधारण राशि होने से बुध के तो शनि के अच्छे संबंध हैं, तो बुध यहाँ पर भी अच्छा परिणाम देंगे। चौथे भाव में आए तो जातक के माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता का आशीर्वाद जातक को पूरा मिलेगा। और देखिए जातक जो है सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकेगा, जातक की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ पाएगा और अपने लिए बंगला गाड़ी सब, बड़ा मकान बड़ी गाड़ी सब होंगी उसके पास। तो जातक इस तरह से सुख साधन को पाएगा और सुखी रहेगा। दसवें भाव में दृष्टि जा रही है, तो दसवें भाव में दृष्टि जाने से जातक को क्या है कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य में अपनी नौकरी में व्यापार में तरक्की, पैसा उन्नति अच्छा ही अच्छा है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। जातक अपने योग्यता के अनुसार काफ़ी ऊँचा यानी उच्च शिखर को जाएगा, नौकरी में भी और व्यापार में भी। तो ये तो बहुत बढ़िया रहा भाई, दसम भाव से भी अच्छा रहा। अब आए पंचम भाव में, जब आए बुध तो पंचम भाव में बुध आएंगे और ग्यारहवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव है संतान का भाव, संतान के भाव में बुध बैठेंगे तो संतान का यहाँ भी अच्छे फल मिलेगा। तो यहाँ भी क्या जातक को पुत्री संतान होने का योग है, तो संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान को परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगी। कोई प्रेम प्रसंग है जातक का तो वो सफल हो जाएगा, प्रेमी जो छोड़ कर चला गया तो लौट के आ जाएगा, प्रेम संबंध में सफलता, अचानक धन का लाभ होगा, जातक की याददाश्त अच्छी रहेगी, जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, बहुत बढ़िया है। जातक की इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत दृढ़ होगी। तो पंचम भाव में अच्छा है भाई, और ग्यारहवें भाव में दृष्टि जा रही है, तो ग्यारहवें भाव में लाभ ही लाभ है, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेंगे, तरक्की मिलेगी और बड़े भाई बहन भी सहायता करेंगे, बड़े भाई बहन जो है सहयोग करेंगे सहायता करेंगे। तो अच्छा रहा पाँचवें में बैठना और ग्यारहवें में देखना, ये तरह तरह के लाभ मिलेंगे, पैसा मिलेगा, तो अच्छा ही रहा। हम छठे भाव में चलते हैं भाई, तो छठे भाव में हम जब जाएंगे तो छठे भाव में बुध बैठेंगे और बारहवें भाव में उनकी दृष्टि जाएगी। तो छठे भाव से क्या है भाई, यहाँ तो मुझे लगता है ये छठा भाव तो अच्छा भाव नहीं होता ना, तो यहाँ राशि जो है राशि के स्वामी जो हैं, अगर यानी राशि के स्वामी जो हों यानी तुला राशि के स्वामी शनि, अगर वो उच्च के होंगे तो राशि लॉर्ड उच्च के होने पर विपरीत राजयोग बनेगा, तो बुध जो है अच्छा फल दे सकते हैं और अदरवाइज तो अच्छा फल नहीं मिलेगा भाई। तो शनि की जो है शनि के स्वामी है ना, तो शनि उच्च के होंगे तो यहाँ पर ये बुध भी अच्छा फल देंगे, और अगर शनि नीच के हैं तो फिर नीचा ही फल मिलेगा। तो फिर नीचा फल मिलेगा क्या होगा कि सिक्स हाउस के निगेटिव परिणाम यानी भूमि या रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, जातक जो बीमारियां घिरे रहेंगी और बीमारियां दूर ही नहीं होंगी। बैंक से पैसा उधार लिया तो चुकेगा ही नहीं, किसी को पैसा उधार दे दिया तो वापस ही नहीं आएगा, और देखो भाई कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो सफलता नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करेंगे, छठे भाव के अच्छे नहीं हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हो
तो उसमें भी सफलता नहीं आएगी। अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो दुर्घटना छोटी मोटी नहीं होगी, चोट चपेट ज़्यादा लग सकती है। ये नहीं है कि थोड़े से चोट लग गई ठीक हो गए, दुर्घटना से बचकर रहना पड़ेगा। दुर्घटनाएं हानिकारक हो सकती हैं भाई। तो ये तो भाई अच्छा नहीं आ रहा। नवे भाव से जो है पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, और जहाँ तक विदेश जाएगा, विदेशी यात्रा करेगा तो नुकसान पाएगा। और देखो भाई, बारहवें में भी राशि है तो बारहवें भाव पर क्या है, बारहवें भाव में दृष्टि भी जा रही है तो धन का खर्चा तो हो गई होगा, जो बारहवें भाव खर्चे का भाव है। अधिक खर्चा, अचानक खर्चा आ जाएगा, अचानक से बीमारी आ जाए, अचानक से अस्पताल का, नर्सिंग होम का खर्चा आ गया तो बीमारी आ गई तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि जहाँ तक परेशान हो जाएगा, खर्चा संभाल नहीं पाएगा। तो भाई छठे भाव से तो अच्छा परिणाम नहीं आ रहा। अब सप्तम भाव में चलते हैं, तो सप्तम भाव में जब बुध बैठेंगे, सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे, पहले भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर भी बुध अच्छा परिणाम देंगे। सप्तम भाव में अच्छा परिणाम यानी वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। बल्कि पत्नी भी जो है, हो सकता है कि व्यापार में या ट्रेडिंग में कहीं सफल काम करती आ रही हो, शादी तो शादी के बाद फिर जा तक के और अच्छे लाभ मिलेंगे, यानी पत्नी के द्वारा शादी के बाद में पत्नी भी व्यापार में शामिल हो सकती है तो और लाभ बढ़ जाएंगे। तो मतलब पत्नी भी अच्छी होगी, मधुर भाषणी, सुंदर, अच्छा व्यवहार वाली, और जातक के जो हैं जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के, उनसे भी अच्छा सहयोग रहेगा, डेली बिजनेस को अच्छा लाभ मिलेगा। तो सप्तम भाव का भी जो है, और लग्न पर दृष्टि जा रही है तो जातक भी हंसमुख होगा, बुद्धिमान होगा, स्वस्थ शरीर, आकर्षक शरीर, बढ़िया बुद्धिमान, ज्ञानवान, चतुर, जातक का प्रसन्नति बहुत अच्छी रहेगी। तो अब हम चलते हैं अगले भाव पे। अगला भाव कौन सा है भाई? अगला भाव आया सातवें के बाद आठवें भाव। आठवें भाव में बुध बैठेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव में अगर विपरीत राजयोग बन जाता है, जो खराब भरो घर हैं इनमें, यानी विपरीत राजयोग बन जाए तब तो अच्छा फल देंगे बुध, अन्यथा खराब फल देंगे। तो अच्छा फल देंगे तो अच्छा ही अच्छा है, नहीं तो खराब का मतलब क्या है, जीवन में बड़े रोड़े बाधाएं आएंगी, नुकसान ज़्यादा रहेगा, लाभ नहीं मिलेगा। धन भाव पर दृष्टि जाने से धन नहीं मिलेगा, धन की समस्या आएगी, आर्थिक स्थिति नाजुक, डामाडोल, अस्थिर रहेगी। और देखिए, जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो परिवार भी साथ नहीं देगा, परिवार का सहयोग भी तभी मिलता है जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इस कारण से जातक दुखी परेशान रहेगा, जातक की वाणी में थोड़ी कर्कशता आ जाएगी, रुक्षता आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी, जातक तेज बोलेगा, रूखा बोलेगा। तो द्वितीय भाव से भी नुकसान नुकसान रहा भाई। और देखिए, नवम भाव और बारहवें भाव में भी राशियां हैं इनकी, तो नवम भाव से भी जो है जातक के पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, विदेशी यात्रा होंगी तो हानिकारक रहेंगी। और बारहवें से भी धन का खर्चा ही खर्चा है, विदेशी यात्राओं में खर्चा ज़्यादा होगा, अचानक ही धन की हानि हो सकती है। तो भाई हम चलते हैं, देखिए नवे भाव में, नवे भाव में बुध बैठेंगे और तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी। और नवे भाव में और बारहवें भाव में बुध की दोनों राशियां हैं, तो नवे भाव में बुध बैठेंगे। यहाँ बुध अपनी साधारण राशि में, बुध का मिथुन राशि है, मिथुन राशि में बैठेंगे बुध, तो अपनी अपनी राशि है, अपनी राशि होने के कारण यहाँ तो बुध अच्छा फल देंगे। और अच्छा फल देने का मतलब अपनी राशि भी है और त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण है नवे भाव, तो अच्छा फल देंगे। अच्छे फल का मतलब जातक बड़ा भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन होगा मतलब पैसा ज़्यादा आएगा, नौकरी में फायदा, व्यापार में लाभ, ट्रेडिंग में लाभ, सब कुछ। वरना भाग्य वर्धन का मतलब क्या हुआ, तो भाग्य बढ़ने का मतलब अच्छा लाभ होगा, जातक के पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हो सकता है जातक पिता से संबंधित कार्य में ही लग जाए, जो पिता काम करते हैं, अगर व्यापार करते हैं तो जातक भी उसी संग लग जाएगा,
तो पिता का आशीर्वाद मिलेगा और वही काम चलता रहेगा। और देखो भाई, विदेशी यात्रा कर सकते हैं, विदेशी यात्रा होंगी लाभकारी होंगी, विदेश में जाकर के बाद जातक रह सकता है, काम कर सकता है, बस सकता है परमानेंटली, तो लाभ मिलेगा। जातक की धार्मिक प्रवृत्ति होगी और जातक जो है धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, भाग भाग के पार्टिसिपेट करेगा। बारहवें भाव में देखिए विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, लेकिन धन की हानि तो हो सकती है। यहीं विदेश जाएगा तो धन की हानि तो होगी, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों धन का भाव है वो, लेकिन विदेश से ही लाभ मिलेगा जातक को। विदेशी यात्राएं लाभ देंगी, विदेश में नौकरी कर सकता है, विदेश में व्यापार कर सकता है, तो लाभ पाएगा। तो भाई नाइन्थ हाउस भी बढ़िया दे रहा है परिणाम। अब हम दसवें भाव में चलते हैं, तो दसवें भाव में बुध बैठेंगे जातक के कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में जातक को महान सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उन्नति मिलेगी। और जातक अगर बिजनेस में जा रहा है तो बिजनेस भी अच्छी कोटि की होगी, ट्रेडिंग अच्छी होगी, ट्रेडिंग में ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जातक को लाभ ही लाभ है भाई दसवें भाव से बैठ कर, तो व्यापार में, नौकरी में या कहीं भी हो लाभ ही लाभ है। और चौथे भाव में दृष्टि जा रही है, तो चौथे भाव में माता को सुख मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। और जातक अगर अपने सुख साधनों के लिए कोशिश करेगा तो हर चीज़ प्राप्त कर सकेगा, जातक की हर इच्छा पूरी होगी, बड़ा बंगला गाड़ी सब कुछ होगा। और जातक अपने परिवार को सुखपूर्ण जीवन देगा तो इससे जातक जो है बड़ा खुश होगा, यानी उसको आत्मीयता, उसको अंदर से ऐसी खुशी मिलेगी कि मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ कर दिया। तो जातक मानसिक रूप से संतुष्ट और खुश रहेगा। अब देखिए ग्यारहवें भाव में आए अगर बुध, तो ग्यारहवां भाव क्या है, बड़े भाई बहन हैं वहाँ पर, बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जातक को विभिन्न क्षेत्रों से लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ग्यारहवां भाव लाभ का भाव है, जातक को लाभ मिलेगा। और पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो संतान से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होगी, जातक का कोई प्रेम प्रसंग है वो पूरा होगा, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, जातक की याददाश्त अच्छी रहेगी, जातक की इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा और जातक को अचानक धन का लाभ हो सकता है। छोटी मोटी उधर बीमारी, उधर पीड़ा वगैरह हो सकती है, वो कोई बात नहीं है। अदरवाइज तो जातक को ग्यारहवें भाव से, देखिए पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है और ग्यारहवें भाव में दोनों में बहुत ही लाभ मिल रहा है, जातक की सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। और सारी इच्छा पूर्ण करते हुए, सुख साधनों का जुगाड़ करते हुए जातक परिवार के साथ अच्छी तरह सुखी रहेगा। अब बारहवें भाव में चलते हैं, तो बारहवें भाव में तो बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जब बुध जो है अगर विपरीत राजयोग बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि शुक्र का घर है ना, शुक्र उसके हुए, तो बारहवें भाव में अगर अपना ही लाभ मतलब हो सकता है तब जबकि विपरीत राजयोग बन रहा हो, यानी शुक्र के ऊंचा होने पर बुध जो है विपरीत राजयोग में आ जाएं अपनी उसी राशि में, तो उसे त्रिकोण में राजयोग बन जाता है। यानी बुध जो है अच्छी राशि में बैठे हैं और शुक्र जो है अपने उच्च के बैठे हों तो विपरीत राजयोग बन जाएगा अगर, तो लाभ मिलेगा। वरना तो भाई बारहवें के सारे खर्चे धन हानि होगी, विदेश में जाएगा तो विदेश में धन की हानि होगी, नौकरी में व्यापार में समय तो लाभ हो सकता है, अदरवाइज वैसे तो धन की हानि होगी। यहाँ हिंदुस्तान में रहेगा, अपने देश में रह के काम करेगा, अगर जहाँ भी हो अपने देश में रहेगा, मातृभूमि में रहेगा, तो धन का अभाव रहेगा। और भाई बारहवें भाव से छठे भाव पर दृष्टि जा रही है, तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी, बैंक से जो लोन लिया वो चुकता नहीं हो पाएगा, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो हार जाओगे, शत्रु भी परेशान करेंगे भाई, और अच्छा नहीं रहेगा ये तो बहुत, क्योंकि शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में हार रहे हो, और अगर किसी परीक्षाओं में
प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो उसमें भी असफलता हाथ आएगी। तो भाई बारहवें भाव से तो और छठे भाव पर दृष्टि जाती है तो खर्चा भी ज़्यादा होगा धन का और नुकसान ज़्यादा होगा, बीमारी छोड़ेगी नहीं। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, अब आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। लेकिन आप जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में श्री गणेशाय नमः तो लिखिए ही लिखिए, गणेश पप्पा आप पर कृपा करेंगे। तो मित्रों नमस्कार।